हेलो गाइज एंड वेलकम टू अफिशनाडोज डेन वेर वी स्टे इन क्लास। एंड गाइज आज जो विस्की स्लैश लिक्योर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो है फायरबॉल सिनेमन विस्की। नाउ दिस विस्की वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1984 बाय सीग्रम्स एंड इट वॉज अ पार्ट ऑफ देयर फ्लेवर्ड स्नैप्स। But in the year 1989, that whole line of schnapps, which was called Dr. McGillicuddy's line, it had many flavored schnapps. So this was a part of that line. The whole line was taken over by Sazerac company. And in the year 2007, it was reintroduced as Fireball Cinnamon Whiskey. So it was not Fireball Cinnamon Whiskey since the time it was launched or established. It took its name later on. So that's about this whiskey. मैं आपको ये बता दूं कि आज आप देख रहे होंगे कि मैं अपना tasting kit रख के नहीं बैठा हूँ because this is more or less drunk as it is or on the rocks. तो इसलिए हम comparative tasting नहीं करेंगे with a dash of water into it. हम इसको ऐसे ही taste करेंगे. This whiskey has Canadian roots. The whiskey base that is used in it is a Canadian whiskey with natural cinnamon flavors and added sweetness to it. तो देखते हैं कि क्या इसका taste है and everything. This is a 1 liter bottle as you can see guys. This is for 2000 rupees in Gurgaon. There is also a 750 ml bottle available which is somewhere around 1200 to 1300 depending upon किस store में आप जा रहे हैं इन गुड़गांव इटसेल्फ। तो दैट्स अबाउट इट। अगर मैं बॉटल की बात करूँ तो एक फ्लैट काइंड ऑफ बॉटल है, अगर आप देख रहे हो दैट इज फायरबॉल सिनेमन विस्की फॉर यू, एक फ्लैट बॉटल है। प्लस यू कैन सी अ टैटर्ड काइंड ऑफ बर्निंग काइंड ऑफ लेबल ऑन इट एंड devil or a demon you can say on the whiskey label. Well, this is because it has a tagline that says it tastes like heaven but it burns like hell. So that is probably why this demon or the devil is on the whiskey label. अच्छा एक चीज़ और है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे दिखी है इस विस्की पे। इसका पीछे से अगर आप लेबल देखें तो इट सीम्स लाइक इट हैज़ बर्नड आउट हेयर एंड इफ़ यू कैन सी एक अंदर जो है एक वही डीमन का फोटो या फिर डेविल की फ़ोटो दिख रही है विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। मतलब इफ़ आई वुड से कि पैकेजिंग के ऊपर तो इट इज़ अ वेरी गुड पैकेजिंग, indeed a very beautiful packaging I would say. So let's go ahead, let's open it, let's pour it and let's see what this whiskey has to offer. Chaliye, let's go. Screw cap hai, no stoppers. As you guys know ki bahar ki bottles mein screw caps wagera hote hain प्लस कोई स्टॉपर्स वगैरह नहीं होते एंड जस्ट बाय ओपनिंग इट आई कैन गेट द विफ्स ऑफ सिनेमन फ्रॉम इट। सो लेट्स गो अहेड पोर इट। चलिए ये हमारा हो गया है पोर। बिफोर आई गो अहेड एंड टेस्ट दिस मैं आपको एक दो चीज़ें और बता दूं कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज़ यूज्ड इन कॉकटेल्स or drunk as it is in shots or on the rocks. So that's why मैं इसमें पानी नहीं डालूंगा, I don't want to destroy the flavor of the whiskey or the liqueur. So there are two basically schools of thought. Some say that it is a liqueur, some say that it is a whiskey. I don't know what it is. It is bottled at 33% alcohol by volume. So let's go ahead and see what this whiskey has to offer. चलिए। सिनेमन और विस्की कंबाइन कर दो तो वैसा अरोमा है इसमें, इतना ओवरपावरिंग नहीं है मैं बताऊं तो, बट यस बहुत ही हल्का, एज यू नो सिनेमन जो दालचीनी होती है बहुत ही ज्यादा एरोमेटिक और बहुत ही ज्यादा माइल्ड सी होती है, तो उसी का अरोमा है। अच्छा अरोमा है अब से। चलिए लेट्स गो अहेड एंड टेस्ट इट एंड लेट्स सी कि क्या ये सच में उतना ही बर्न करती है जितना कि ये लोग हाईलाइट करते हैं। चलिए लेट्स गो।
Guys, I have a sweet tooth. मुझे मीठी चीज़ें अच्छी लगती हैं बहुत, बट ये सच में बहुत ज़्यादा मीठी है. बट इट इज़ गुड व्हेन इट कम्स टू ड्रिंकिंग कॉकटेल्स एंड ऑन द रॉक्स, इट इज़ गुड एक्चुअली. एंड मैं सच बताऊँ तो मैंने पी है तो मुझे ये फील हो रही है पूरी जाते हुए अंदर. इट इज़ रियली गुड. इट हैज़ दैट वार्मिंग इफेक्ट. विंटर्स में स्पेशली आई वुड से इट इज़ अ लवली ड्रिंक टू हैव. अगर आप कहीं विजिट करने गए हैं मनाली या फिर कहीं स्नो हो रहा है वहाँ पर अगर आप बैठ के जस्ट बाय द फायर प्लेस अगर आप ये ड्रिंक कर रहे हैं आई वुड से इट वुड रियली हैव अ वेरी गुड एंड वार्मिंग इफेक्ट ऑन यू. प्लस बहुत ही अच्छा स्वीट और सिनेमन को बैलेंस किया हुआ फ्लेवर है. A good whiskey or liqueur in my opinion. Chalye, let's get on to the second taste. Alcohol ka burn nahi hai, main definitely bolunga because 33% volume hai, to alcohol ka burn nahi hai. Halka sa cinnamon ka burn zarur hai aur wo jo hai that is felt inside you, not in the palate. Sweet palate hai, cinnamon ka flavor bahut acha hai. In my opinion, a very good whiskey to be drunk as it is. Agar aap kahin thandi jagah pe gaye hue hain, to definitely carry a bottle with you. You would definitely love it in my opinion. वैसे भी आजकल डेली गुड़गांव में बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, तो इफ़ इन केस यू टेंड टू गेट योर हैंड्स ऑन वन ऑफ द बॉटल्स, डू ट्राई दिस. इट इज़ वेरी गुड इन माय ओपिनियन. इट कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड एज अ विस्की इन माय ओपिनियन बिकॉज विस्कीज इतनी मीठी नहीं होती हैं. प्लस देर इज़ नथिंग एडेड इन टू इट. कैनेडियन विस्कीज में येस देर आर थिंग्स एडेड इन टू इट, बट येस आई वुड स्टिल से आई वुड रेट इट एज अ विस्की. एंड विस्की की उससे मैं इसको विस्की नहीं मानूंगा. Liqueur in my opinion, but definitely a very good tasting liqueur. अगर मैं aficionado's report card की बात करूँ इस whiskey slash liqueur के लिए, तो on the price point I would give it a 8, and on the taste also I would give it a 8. So इस whiskey का aficionado's report card होता है 8. So in my opinion, drink it as it is, drink it on the rocks. In cocktails, there are many cocktails that are promoted on the whiskey's website. मैं whiskey की website का link जो है वो description box में दे दूँगा. Go ahead, enjoy it. It is a good whiskey to enjoy in winters. But do drink responsibly. Do not drink and drive. And as we say in aficionado's den, stay classy. And cheers.